हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो कोडेम हैकर्स के बारे में है, जो कि कोडेम वर्ल्ड चैंप स्टेज 2 में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसका श्रेय जाता है इंडिया में कोडेम का सबसे छोटा हैकर नया एक्स तमाशा गेमिंग YT। समझने वाले समझ जाओ उसका ओरिजिनल नेम क्या है। मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करने वाला उस गधे को, बिकॉज बच्चे भी देखते हैं और काफ़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। वीडियो में जाने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आई नो मैं काफ़ी दिन से इनएक्टिव हूँ, क्योंकि मैं ESM का लीडर बोर्ड्स में रैंक पुश कर रहा था। बट आज ही शाम को एक दोस्त ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी इस बंदे के बारे में और इस टॉपिक के बारे में, सो वीडियो हाजिर है। तो पहले आप इस बंदे का वीडियो देखिए। बेस कैंप कर लो। अबे क्या है ये भैंचोद? हाँ बॉडी है तो बेसिकली इस वीडियो में जो बंदा है उसका नाम है ग्रेफिटी, जो कि ISK या इस्क्रा क्लैन का बंदा है। बेसिकली था भाई साहब हैक खरीद के TDM में न्यूक कर रहे थे स्नाइपर से, और ये जो नया एक तमाशा गेमिंग YT है उसने इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया अपने टेलीग्राम पे। मतलब खुद तो 7वीं फेल है, साथ में इसका का जो बंदा है ग्राफिटी उसको भी एक्सपोज करवा दिया। उसके लिए शुक्रिया भाई, पता तो चला T1 वाले बंदे भी हैक यूज़ करते हैं। एंड बेसिकली जिनको पता नहीं है, ISK या इस्क्रा क्लैन इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोडेम क्लैन है। एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल क्लैन, जैसे ही उनको ग्राफिटी के अगेंस्ट प्रूफ मिला, उन्होंने ग्राफिटी को ये कहा, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। सो अ वेरी ह्यूज शाउट आउट टू ISK क्लैन। अब आप ये देखो, ये जो स्क्रीनशॉट है ये नया एक तमाशा गेमिंग YT के टेलीग्राम पे अपलोड हुआ है। एक बार इंग्लिश देख लो भाई साहब, तो मैंने ऐसे ही नहीं बोला था इसको 7वीं फेल। तो ये जो बंदा है ये 1500 रुपये में अपना हैक बेच रहा है, और इंडिया के बाहर $25, जो कि लगभग होते हैं 2 से 2500 रुपये। एंड फॉर दोज हु आर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, दिस पैरासाइट फकिंग बिच इज सेलिंग हिज हैक्स फॉर $25 एंड द हैक्स आर अपेरेंटली अनबैनेबल एज पर ही क्लेम्स। PMCO तक, PMPL तक हैकर्स आ गए थे पबजी में, अभी स्टेज 2 में ही आ गया कोडेम में हैकर्स। इसके आगे तो और आएंगे। अगर 1500 रुपये में हैक्स बेचे जा रहे तो सोच लो कितने ही टीम्स 30-0 गई है। मैं सबको नहीं बोल रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीम्स हैक्स लेके गई है, ये बात सच है। ये बहुत लोगों को पता भी है, बहुत क्रिएटर्स को पता है, लेकिन वो लोग कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी के भी अगेंस्ट प्रूफ्स है तो आप मुझे भेजिए, मैं और वीडियो बनाऊंगा इनके अगेंस्ट, जैसे कि मैंने इसके अगेंस्ट बनाया, और भी मैं बनाऊंगा ताकि लोगों को पता चले ये सब हैक्स खरीद खरीद के स्टेज 2 में जा रहे हैं, और फिर अपना अपना अकाउंट बेच भी रहे। कुछ लोग तो 20-25 हज़ार रुपये बेच रहे भाई, स्टेज 3 क्लियर किया हुआ अकाउंट। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। तो भाई मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कोडेम के सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स से कि देखो, आप लोगों के पास ऑडियंस है, आप लोगों के पास इन्फ्लुएंस है, तो आप लोग उसका यूज़ करो। हैकर्स के साथ कंटेंट मत बनाओ, हैकर्स को लेके कंटेंट बनाओ, उनके अगेंस्ट कंटेंट बनाओ, ताकि लोगों को भी पता चले। और अगर आप लोग कोडेम से स्पॉन्सर्ड हो या फिर एक्टिविशन से स्पॉन्सर्ड हो, या उनका अगर आपके साथ कनेक्शन है, तो उनके साथ कुछ थ्रेड डिस्कस करो, ताकि मतलब इनका जो हैक्स है उनके अगेंस्ट कुछ पैच लाया जा सके। नहीं तो स्टेज 2 में आ गया है, स्टेज 3 में भी आ जाएगा, ऐसे तो स्टेज 4 में भी आ जाएगा अगर लैन ना हो, अगर कोविड चलता रहे। अगर ऐसा ही चलता रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं कि मतलब इन्वेस्टर्स और जितने भी अलग अलग ऑर्ग्स है जो बाहर से आए हैं इंडिया में, वो लोग इंडिया को टाटा बाय बाय बोल के चले जाए। बिकॉज कोडेम का वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया में इतना ज़्यादा जितना NA या फिर यूरोप में है। तो टू ऑल द क्रिएटर्स, प्लीज टेक एक्शन, ये टाइम है, नहीं तो फिर कोडेम भी सेम हो जाएगा जैसे क्रिटिकल ऑप्स में हुआ था एक टाइम पे। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं आप सभी को मिलूंगा एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड बाय।